हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सर्वोदय रिसर्च एकेडमी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बीए सेमेस्टर 2 का क्वेश्चन पेपर का डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, पसंद आने पे इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये विनोबा भावे यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स पेपर का। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि क्या आया है क्वेश्चन में। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सेशन 2020-23 का क्वेश्चन पेपर है। इसके लिए 3 घंटे दिए गए थे और 80 मार्क्स फुल मार्क्स थे। इसमें कह रहा है, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस इन विच क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कंपलसरी, यानी कि 4 क्वेश्चन को हमको सॉल्व करना है जिसमें से क्वेश्चन संख्या 1 कंपलसरी है। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या पूछे गए थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से 10 MCQ दिया गया है, तो देखते हैं इसका कोई क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्रॉम, यानी कि भारतीय संविधान का संसदीय रूप की देन है, यानी किस देश की देन है। भारतीय संविधान का संसदीय रूप जो है उसे किस देश से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, ब्रिटेन, USA, श्रीलंका और आयरलैंड। तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम विच कंट्री द अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टेकन, यानी कि संविधान की किस संशोधन संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस संविधान से ली गई है। जर्मनी के संविधान से, जापान के संविधान से, या फिर साउथ अफ्रीका के संविधान से, या आयरलैंड के संविधान से। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन मालूम होगा कि संविधान की संशोधन प्रक्रिया भारतीय संविधान में साउथ अफ्रीका के संविधान से ली गई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स आर इनलिस्टेड, यानी संविधान के किस भाग में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। ऑप्शन दिया हुआ है, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 6 एंड पार्ट 1। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी मालूम होंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पार्ट 3। संविधान के भाग 3 यानी कि आर्टिकल 12 से 35 तक में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंडामेंटल राइट्स, यानी कि निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है। ऑप्शन दिया हुआ है, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू लिबर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन। तो फ्रेंड्स, आपको शायद मालूम हो कि राइट टू प्रॉपर्टी को 1978 के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू, इसे फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से रिमूव करके एक लीगल राइट की कैटेगरी में रखा गया, जिसे संविधान के आर्टिकल 300 के ए में रखा गया है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संपत्ति का अधिकार या राइट टू प्रॉपर्टी, यानी राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स प्रेजेंट में नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज आर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है, अपने स्वार्थों की पूर्ति करना। नेक्स्ट ऑप्शन है, राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना, दलगत भावना को उकसाना, या उपरोक्त में कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रिटी, यानी राष्ट्रीय एकता को बढ़ाना मौलिक कर्तव्य का उद्देश्य है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एग्जीक्यूटिव इज देयर इन इंडिया, यानी कि भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है। तो आप शायद सुने होंगे कि भारत में नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी कि शासन तो कार्यपालिका के नाम पर ही की जाती है, लेकिन उसको करने वाला कोई और होता है जिसे कि विधायिका कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज द फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, यानी संसद का कौन सा काम है निम्नलिखित में से। तो कानून बनाना, कार्यपालिका पर नियंत्रण करना, विमर्शात्मक काम, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा कैन स्टॉप ऑर्डिनरी बिल फॉर डेज, यानी कि साधारण विधायक को राज्यसभा इतना दिनों तक रोक सकती है, यानी कि साधारण विधेयक को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन दिया हुआ है 65, 60, 61 और 63। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मालूम है। अगर आपको ये क्वेश्चन का आंसर मालूम है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफेक्टिव सोर्स ऑफ ज्यूडिशियल एक्टिविज्म इज, यानी कि न्यायिक सक्रियता का सबसे प्रभावी साधन है, जनहित याचिका, प्रदर्शन, घेराव या उपरोक्त कोई नहीं। तो ऑब्वियसली इसका राइट आंसर हो जाएगा जनहित याचिका, क्योंकि प्रदर्शन और घेराव तो न्यायिक सक्रियता का सही रूप नहीं माना जा सकता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर वन का ही बी क्वेश्चन है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू, यानी निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी कीजिए, वो भी संक्षिप्त में टिप्पणी करना है। तो पहला क्वेश्चन कर रहा है डिफरेंस बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, यानी धन विधेयक एवं साधारण विधेयक में अंतर बताना है। सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में कुछ लिखना है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे लिखना है, या फिर इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे लिखना है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप इनमें से दो क्वेश्चंस को इजीली लिख सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टू, डिस्कस द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान की विशेषताओं की चर्चा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फंडामेंटल राइट्स, वॉट आर द फंडामेंटल राइट्स फॉर द इंडियन सिटीजन्स, यानी कि मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी मौलिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालाइज द पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट, यानी भारतीय राष्ट्रपति की शक्तियों का विश्लेषण करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज द रियल रूलर ऑफ द कंट्री, डिस्कस, यानी भारत का प्रधानमंत्री जो है वह देश का वास्तविक शासक है, विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द ऑर्गेनाइजेशन एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा, यानी कि लोकसभा के संगठन और कार्यों की विवेचना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द काउंसिल ऑफ स्टेट इज नॉट अ सेकेंड चैम्बर बट इट इज अ सेकेंडरी चैम्बर, डिस्कस, यानी राज्यसभा द्वितीय सदन नहीं बल्कि गौण सदन है, विवेचना करें। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द पावर एंड फंक्शंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारों एवं स्थिति की विवेचना कीजिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगे होंगे। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक ईयर सेमेस्टर टू के
पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स क्वेश्चन पेपर में इसी तरह के इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप आराम से तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम में बैठिए, आपका एग्ज़ाम आप सफल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसके अन्य और 4 पेपर्स आपको मिल जाएंगे, यानी कि इसका सेकंड पेपर और AECC और JEE का पेपर भी आपको जल्द ही मिल जाएंगे। तो कुछ समय के लिए वेट कीजिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।